खैर पिछले दिन हमने ब्लॉग बनाया था लेकिन वो ज़्यादा लंबा बन नहीं सका, तो मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। उसका भी कहीं ना कहीं क्लिप इसके अंदर डाल देंगे। सो द न्यूज़ इज़ बेसिकली आपका भाई इज़ प्रेजिडेंट ऑफ एन आर्ट्स एंड मीडिया सोसाइटी और हमारे साथ रमीज मौजूद है इस टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम रमीज। ठीक है, तो अभी हमें ये कहा गया है कि हमने कोई ट्रिप प्लान करना है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल ट्रिप होएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारे आर्ट्स एंड मीडिया सोसाइटी को ज़्यादा केटर कर रहा होएगा। तो अब मैं और रमीज गए हुए थे मैम दरीमा के पास, सो वी आर लाइक थिंकिंग कि अब जाना कहाँ चाहिए। वैसे रमीज सजेशन क्या दोगे? सर हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। एक तो हम जा सकते हैं आपका ये खानपुर डैम, ठीक हो गया, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि मरी वाली साइड पे जा सकते हैं, ये चेयर लैप वाली कहीं पर। उसके अलावा ये भी ऑप्शन है, लोग कह रहे थे पंचपीर से क्या नाम, हाँ पंचपीर वाला था, तो वो भी है। और एक दो और जगह बताया सर ने सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा आउटसाइड इस्लामाबाद में कहीं पर कर लो, लेकिन ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली शायद डैम पर ही करें, क्योंकि बेसिकली इट्स अ वन डे ट्रिप। और सेकेंडली इसका जो मेजर थिंग है इट्स अ फोटो वॉक, और फोटो वॉक का ज़्यादातर अगर लूम होना पड़ता हो तो बेसिकली जहाँ तक मुझे आइडिया उसमें ये होता है कि ऑल द पीपल ब्रिंग देयर कैमराज, और एक पैसेज होता है जहाँ पे लोग विजिट करते हैं और बाय वॉकिंग डिस्टेंस जो है ना दे टेक पिक्चर्स। मतलब सही है कि जैसे पिंडी वगैरह में फ़ोटो वॉक्स होती है, अंदरूनी पिंडी ये सब चीज़ें, लेकिन क्योंकि हम आर्ट्स एंड मीडिया में ज़्यादा आर्टिस्टिक साइड में तो कैमरे ज़्यादा लोगों के पास होते नहीं ना, तो दैट वॉज अ इशू। तो ये कहा गया ठीक है आप मोबाइल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन आई वुड टेक माई कैमरा विद। तो खैर अब देखते हैं कहाँ पर और किस तरीके से ये बनती है चीज़, ठीक है, और किस तरह से पॉसिबल होता है और कहाँ जाते हैं क्या सीन है, क्योंकि वन डे ट्रिप है और ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता और यूनिवर्सिटी का है तो लेट्स सी देम। अच्छा खैर हम बैठे हुए थे तो एक भाई आए, एक हमें मिले थे मैम दरीमा के ऑफिस के बाद, वो बस तेज़ी से मिले, और एक और भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप क्या बता रहे थे अभी? रिकॉर्डिंग में दे दो यार, सबूत दे दो मुझे। मैंने आपका दरअसल यूट्यूब चैनल देखा ना, उसमें फिर आपको काफ़ी वीडियोस काफ़ी सारे सर्च किए, एफ यू आर से लिखता था तो आपकी वीडियोस आती थी, तो काफ़ी सारा स्टार्ट किया एफ यू आर सी ब्लॉग जो आपका प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाके सारा सारे ब्लॉग्स मतलब पूरी यूनिवर्सिटी छांट ली एक तरीके से सारी तकरीबन। यार मैं तो सारे गाइड बन गया एक तरीके से, यहाँ पे जब मैं आया ना तो काफ़ी सारे चेहरे भी देखे आपके ब्लॉग्स में जो थे। अच्छा काफ़ी पता है चले जा चुके हैं, कुछ सीनियर थे मेरे से और कुछ अभी पुराने वाले हैं तो वो बस हैं। तो अच्छा आप किस डिपार्टमेंट के थे? इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ये भाई दूसरे पार के हैं और हमारा डिपार्टमेंट देखने के लिए बड़ी खुशी होती है, लेकिन फिर और भी लोग हैं तो यार मिलना ज़रूर, ठीक है सीन पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। फिर ये चीज़ बस वो सुपर कर लेना यहाँ पर आ जाओ। कटिंग द थिंग शॉर्ट, रास्ते मुझे ये द हाफ कट मिला है। हेलो हाफ कट, हाउ वाज योर शूट टुडे? इट वाज गुड। कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। अच्छा खैर मैं ऑन कैमरा बताता हूँ, इसकी फोटोग्राफी में जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ आज की ये थी, ये हार्ड लाइट में शूट करी थी और पैचेस बने हुए मुँह के ऊपर, और पैचेस का मतलब ये कि रिकवर फॉर समझ के होता है। खैर हमजा भी हमारे साथ हैं और हाँ हाँ पैचेस बताता हूँ मैं तुम्हें। खैर अभी हम क्लास में वापस जा रहे हैं, रमीज अपनी आर्ट बुक भूल गया था तो खैर मिल गई शुक्र है, और फीस लेप लेने गए थे वो मिली नहीं, तो लेट्स सी आगे क्या सीन है। अभी क्लास लेनी है 3:30 तक। क्लास ख़त्म होगी आपकी भी? हम तो जल्दी फारिग हो गए थे। हाँ, हो गई। तुम क्लास लेते? लिए आज लिए लिए आ गया था, बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा ठीक है। वैसे आपका और पीछे जो वो है ना जिस पर यूज डस्टबिन लिखा हुआ है उसका पेंट एक जैसा ही है, पेंट की बात कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा खैर क्लास में हमारी खत्म, वो तुम्हें भी कोई फैन मिला था? अच्छा वो मेरा था ना। वही बंदा मिला जो मुझे भी मिले ना उसको सब डिटेल पता है, कबाड़िया मशहूर हो गया भाई, फैन मोमेंट था ना। मेरे साथ तो सेल्फी भी खिंचवाई है हैं यार, मैं मेरे साथ मिलते ना मैं रिकॉर्ड भी कर लेता तुम लोगों का फैन मोमेंट। यार यार कसम से हम मैं तो अपना रिकॉर्ड करवाया, इसने उसकी रैगिंग तो नहीं आएंगे बस गाना गवाया। अच्छा गाया गवाए कहते हैं ना। अच्छा गाया हाँ
कौन सा गाना था? चन्ना मेरेया। चन्ना मेरेया नहीं, वो तुम्हारी तरह नहीं है। कोई गाना था आतिफ असलम का, नहीं वो बातें वो कभी ना भूलना। पहली दफा? नहीं पहली दफा नहीं था यार, पहली दफा बस कोई था आतिफ असलम का था। इन शॉर्ट कोई गाना था और रैगिंग हुई है बेसिकली। हमें बड़ा फैन मिला था आज। यस एंजॉयड, एंजॉयड लाइफ, दिल गार्डन गार्डन हो गया, यू नो, एंजॉयड लाइफ। हां आई से समथिंग, मेरे ज्यादा असर इसमें पड़ता रहा है क्या? मुझे बड़ा अच्छा लगा। एनीथिंग Okay, half kid, what do you want me to say? अब्दुल हादी, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो आपकी बात चल रही है यहाँ पे। अलीजा आपसे कुछ कहना चाहती हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं आपको वीडियो अच्छी लगती है। वो कौन है? देख रहे हो फिर? समझ रहे हो ना? आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं फिर। अभी के लिए अल्लाह।